Hello everyone, my name is Manjeet Singh and welcome to my YouTube channel PT Roots with Manjeet. जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिटेल लेक्चर के ऊपर होने वाला है. अगर आपने इससे पहले वाली एक्सटेंडेड स्पीकिंग का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो यू शुड चेक इट आउट. सबसे पहले वो वीडियो देख कर आइए डिस्क्राइब इमेज की, उसके बाद आप रिटेल लेक्चर देखना. आज अपने सारी बात करने वाले हैं टोटल रिटेल लेक्चर के ऊपर और मैंने की पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कैसे अपने रिटेल को पूरा समझेंगे और कैसे एक्शन प्लान टेस्ट और सब कुछ है. देखिए, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और देखिए पिछली वीडियो से आप सभी लोगों का मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच. चलिए देखते हैं रिटेल लेक्चर. स्पीकिंग का अपना फोर्थ मॉड्यूल है रिटेल लेक्चर. मैंने की स्ट्रेटजीज लिख रखी हैं फॉर परफेक्ट 19 रिटेल लेक्चर. पहली क्या है, देखिए पहले अपने बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में. सेकंड थिंग बात करेंगे द बेस्ट टेम्पलेट. फिर हाउ टू पिक मेन टॉपिक एंड कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे. फिर हमारे कुछ रहेंगे डूज एंड डोंट्स भी, क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है. और लास्ट में अपने पहले वाले वीडियो की तरह क्या करेंगे, एक्शन प्लान और टेस्ट करेंगे क्या ये टेम्पलेट वर्क करता है एक्चुअली या नहीं करता. चलिए देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिटेल लेक्चर का आप सबसे पहले देखते हैं भी मीनिंग क्या होता है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप पहले दिन क्लास में आपका फ्रेंड आया और अगले दिन वो लीव पर रह गया, लेकिन आपने वो क्लास को क्या किया, अटेंड किया हो उस क्लास को. और अगले दिन आपका फ्रेंड आता है और आपने अपने फ्रेंड को क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. इट मीन्स यू आर गोइंग टू रिटेल द सिचुएशन. उसको बताओगे कि सर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, या फिर अपने फ्रेंड को कहोगे कि कल सर आए, सर ने ये करवाया सबसे पहले, ये करवाया और ये करवाया. देखिए जब भी आप रिटेल बताओगे तो क्या आप हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करोगे कि देखिए सबसे पहले सर क्लास में एंटर हुए, उसके बाद सर ने अटेंडेंस लगाई, या फिर उसके बाद फिर वाइट बोर्ड पर टॉपिक लिखा. नहीं, आप अपने फ्रेंड को क्या बताओगे कि देखिए कल सर ने हमें रिटेल लेक्चर करवाया और उसके बाद में सर ने हमारी जो भी परफॉर्मेंस शीट थी वो चेक किया और ये टॉपिक करवाया और चले गए. दैट्स इट. वही सिमिलर चीज़ है, अपने शब्दों में क्या करना है भाई, उसको बताना है भी रिटेल का मीनिंग क्या है. आपने जो बोला है हमारे सामने इतना बड़ा पैराग्राफ, उसका मीन क्या है. ठीक है जी, मीनिंग के बाद लिखा है स्किल असेस्ड स्पीकिंग और लिसनिंग. ध्यान दीजिएगा आपके जो मार्किंग्स क्राइटेरिया है उसके अंदर स्कोर आपका किन दो चीज़ों के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. पहला आपका स्पीकिंग और सेकेंड थिंग लिसनिंग. यह टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आजकल जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनका स्कोर लैग कर रहा है ज़्यादातर लिसनिंग मॉड्यूल्स के अंदर. स्पीकिंग में बढ़िया स्कोर कर रहे हैं 68-70, लेकिन लिसनिंग के अंदर वहीं देखें तो 52-55. कहीं ना कहीं रिटेल भी इसका एक रीज़न रहता है, बताऊँगा मैं आगे क्यों. क्वेश्चंस कितने आते हैं आपके पास एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं. मार्क्स देखे जाते हैं आपको 20 to 22, स्पीकिंग के अंदर 11 to 12 और लिसनिंग के अंदर 8 to 10. ध्यान रखिएगा लिसनिंग के अंदर 8 to 10. प्रॉम्प्ट लेंथ, जो आपको लेक्चर सुनाएगा वो उसकी प्रॉम्प्ट लेंथ हो सकती है 60 seconds to 90 seconds. उसके बाद बात करें हमको टाइम देता है वो टाइम टू प्रिपेयर करने का 10 seconds आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर. जैसे ही आप उस लेक्चर को सुनोगे वो लेक्चर 1 मिनट का हो 90 seconds का हो, हाँ उसके बाद आपको क्या दिया जाता है भाई, टाइम दिया जाता है 10 seconds का. जैसे ही 10 seconds काउंट डाउन होंगे और आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी और इंस्टेंटली बीप के बाद आपने बोलने लग जाना है. टाइम टू स्पीक दिया हुआ है अगेन 40 seconds. जैसे डिस्क्राइब इमेज के लिए 40 seconds हैं, वैसे इसके लिए भी अपने पास बोलने के लिए 40 seconds हैं. नोट के नीचे मैंने कुछ चीज़ लिखा हुआ है, समटाइम्स इमेज इज गिवन यूज इट वाइजली. देखिए इधर देखिए, कई बार क्या हो जाता है आपको पिक्चर दे देता है वो रिटेल लेक्चर के अंदर और साथ में बोलता रहता है. कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब भी इस प्रकार का डायग्राम आ जाए तो हमें उसे कैसे यूज़ करना है, वाइजली यूज़ करना है. उससे रिलेटेड अगर आपको वो कैब आती है तो भाई साहब आप वो कैब बोलिए, उससे रिलेटेड कोई चीज़ याद आ रही है तो उससे रिलेटेड वो याद चीज़ को आप बोल सकते हो. जैसे इससे कैलकुलेशन से मुझे कुछ पता लग रहा है कि ये कोई मैथ्स की चीज़ है, मैथ्स इक्वेशन लग रही है मेरे को, इक्वेशंस.
है ना, इससे रिलेटेड ऐसे आप उनसे कीवर्ड क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। जब आपको फोटो आ जाती है, डायग्राम आ जाता है, आपने घबराना नहीं है। चलिए इसके बाद अगला काम क्या था अपना, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा काम था अपना द बेस्ट टेम्पलेट। अब चलते हैं क्विकली से टेम्पलेट देखते हैं। स्कोरिंग क्राइटेरिया भाई साहब सुन लीजिए इसका, स्कोरिंग क्राइटेरिया पूरी स्पीकिंग के अंदर आपका यही रहता है, कंटेंट, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी। कंटेंट के अंदर आपने क्या उठाना है, मेन टॉपिक सही उठाना है और प्लस कुछ कीवर्ड सही उठाने हैं। उसके बाद प्रोनंसिएशन के अंदर आपने ध्यान रखना है वे आपकी क्लैरिफिकेशन रहे, आप जो वर्ड बोल रहे हो वो साफ उसको क्लियर सुनाई दें। और लास्ट चीज फ्लुएंसी, आपको एक स्मूथ फ्लो मेंटेन करके रखना है। और आपको क्या किस चीज का ध्यान रखना है, पॉजेज लेने हैं ताकि आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो क्या लगे, एक नेचुरल स्पीकिंग आप दे रहे हैं। डोंट शो हिम कि आप रोट लर्निंग करके आए हैं पहले से और आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेम्पलेट दे के बोल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपना फेज आता है थर्ड पॉइंट, टेम्पलेट और द बेस्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर देखिएगा, पहला मैंने लिख रखा है मेन टॉपिक शुड बी द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, या फिर आप कह सकते हो मेन टॉपिक वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए टेम्पलेट का काम इतना ही है, आपको एक फ्लो देना, फ्लुएंसी देना। टेम्पलेट नंबर नहीं देता आपको, आपके बोलने का तरीका नंबर आपको देता है। कल भी मैंने उस वीडियो में समझाया था डिस्क्राइब इमेज वाले में, आपने फोकस करना है हाउ टू स्पीक नॉट व्हाट टू स्पीक। अगली चीज है द स्पीकर वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट, यहां पर अपने दो क्या लगाएंगे, कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद लिखा फर्दर मोर द लेक्चर गेव सम डिटेल्स अबाउट सी एंड डी, फिर मैंने दो कीवर्ड, मोर ओवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ई एंड एफ वॉज गिवन इन द लेक्चर, फिर फ्रॉम द लेक्चर आई हियर जी एंड एच दो कीवर्ड, फाइनली सम फैक्ट्स अबाउट आई एंड जे वर मेंशनड, ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। और कीवर्ड रिपीट करते हुए घबराना नहीं है, आपने ध्यान रखना है। जब भी आप कीवर्ड्स, आपके पास मान लो आपने 6 उठाए 8 उठाए, मान लो आपको कोई इसमें से डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, क्या लग रहा है, डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, तो आपने धक्का नहीं करना, उस डिफिकल्ट वर्ड को नहीं बोलना। आप क्या करोगे, रिपीटेशन दे देना किसी और वर्ड की, कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। देखिए रिटेल लेक्चर के अंदर अपने मार्किंग क्राइटेरिया फिल करना है, ये नहीं देखना कि आइडियाज कैसे आ रहे हैं, कैसे कीवर्ड्स आ रहे हैं, नहीं, उसको चाहिए कंटेंट, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी। वो चीज हम उनको देंगे और वो हमें क्या देगा, पियर्सन स्कोर देगा। दैट्स इट, अच्छे से इसको ध्यान में रख लेंगे। डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, द स्पीकर वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, फर्दर मोर द लेक्चर गेव सम डिटेल्स अबाउट सी एंड डी, मोर ओवर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ई एंड एफ वॉज गिवन इन द लेक्चर, फ्रॉम द लेक्चर आई ऑल्सो हियर जी एंड एच, फाइनली सम फैक्ट्स अबाउट ए एंड आई एंड जे वर मेंशनड, ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। चलिए अपने अगले फेज पर चलते हैं क्विक थ्रू। चलिए गुड कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टास्क गिव्स कंट्रीब्यूशन टू बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यह टास्क इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन किसको देता है, लिसनिंग में, और लिसनिंग में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के आजकल मार्क्स क्या आ रहे हैं, क्वाइट लो आ रहे हैं। उसके बाद करते हैं टू गेट स्कोर्स इन लिसनिंग, अगर आपको लिसनिंग के अंदर नंबर चाहिए जो मैंने शुरू में लिखे थे 9 to 10, वी हैव टू पिक मेन टॉपिक, सो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, if you want to achieve higher marks in listening you have to focus on the main topic and keywords also। ab kai bolenge mere pyare bacche ki ha main topic sir kahan se laye, iska bhi solution maine dhoond ke rakha hai, mere hote hue worry nahi karni। there are two ways to identify main key, main topic ya fir main keyword, pehle hum istemal karenge is idea ko, is funde ko, इनिशियल 2 to 3 lines। देखिए जब भी आपने कोई स्पीच देता है तो आप सभी ने सुना होगा वो ऐसे बोलना शुरू करते हैं कि आज का मेरा लेक्चर है पोल्यूशन, पोल्यूशन आजकल बहुत ही बढ़ता जा रहा है, इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, डैश 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 ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें भी वो वही सीन करेगा अगर, तो कई बच्चों को तो वो पहले ही पिक हो जाएगा, अगर इनकेस ये पहली 2 से 3 लाइनों में नहीं पिक होता आपसे तो आप वो बंदा क्या करेगा, स्पीकर क्या करेगा,
रिपीटिशन करेगा कंटेंट की बार बार उस वर्ड की, कि पोल्यूशन से ये हो गया, पोल्यूशन से ये हो गया, पोल्यूशन से ये हो गया। ठीक है, पहला ये आइडिया इस्तेमाल करना है, एक से दो लाइनों में आइडेंटिफाई हो गया कीवर्ड या मेन टॉपिक, मेन तो बढ़िया बात है, तो नहीं तो अपने किसकी तरफ जाना है, रिपीटिशन की तरफ। जो वर्ड की वो बार बार रिपीटिशन करेगा उसको हमने मेन टॉपिक बना देंगे। और कीवर्ड्स लास्ट में मैंने लिखा शुड बी इन नाउन फॉर्म्स, तो आपके कीवर्ड किस फॉर्म में होने चाहिए, नाउन के रूप में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सुना डेवलप, तो इट्स नॉट ए कीवर्ड प्रॉपर, क्योंकि डेवलप करना विकसित करना होता है, आप उठा सकते हो डेवलपमेंट, दैट्स इट। तो कीवर्ड्स होने चाहिए नाउन फॉर्म में होने चाहिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है डू और डोंट्स। इस बंदी की तरफ देखिए, हाँ ऑल्दो शी इज नॉट लुकिंग प्रिटी, परंतु फिर भी आपको देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें ये सिखा रही है कुछ, क्या कि क्या चीजें आपने करनी है और क्या नहीं करनी टू अचीव हायर मार्क्स इन रिटन लेक्चर। जस्ट फॉलो द टेम्पलेट, कीप इट सिंपल विद वन कीवर्ड, सिंपल रखना है एक कीवर्ड के साथ, स्पीक क्लियरली साफ साफ बोलना है, मेंटेन ओरल फ्लुएंसी, ओरल फ्लुएंसी के अंदर रहना है। डोंट, अब ये डोंट देख लेते हैं, ये डोंट क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, डोंट ट्राई टू स्पीक 40 seconds, आपने नहीं ट्राई करना मैं 40 seconds पूरा बोलूँ, आप 25 से 28 seconds में कहीं भी छोड़ देना। उसके बाद डोंट स्पीक डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये वर्ड डिफ़िकल्ट है, तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोलोगे, उसकी जगह क्या कर दोगे, किसी और वर्ड की रिपीटेशन, वेरी गुड। उसके बाद नेवर रीस्टार्ट योर आंसर, कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा बोल के द स्पीकर गिव्स क्लियर इन्फॉर्मेशन, फिर वापस से शुरू कर देते हैं स्ट्रक होने के बाद, आप ऐसा नहीं करोगे, आपने अपना आंसर रीस्टार्ट कभी नहीं करना। और जो लास्ट टॉपिक है, जो पॉइंट इसने नोट डाउन करवाया है, अवॉइड सेल्फ करेक्शन, कुछ बच्चे क्या होते हैं सेल्फ करेक्शन करते रहते हैं, गलत वर्ड पढ़ दिया उसको फिर सेल्फ करेक्ट कर लेंगे अपनी तरफ से सही करके फिर बोल देंगे, वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए उसके बाद अपना लास्ट स्टेप फाइनल, टेस्ट एंड एक्शन प्लान। आपने क्या करना है, डेली 5 questions करने हैं विद प्रिसाइज मैनर्स, आराम से अच्छे से रिकॉर्डिंग लगा के सुनना है उसको, हियर योर रिकॉर्डिंग ट्वाइस एंड लुक फॉर मिस्टेक्स, अपनी रिकॉर्डिंग सुननी है उसके बाद रिकॉर्ड करके 2 बार सुनिए 3 बार सुनिए ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएं कहाँ कहाँ है। उसके बाद टेक हेल्प ऑफ योर ट्यूटर टू आइडेंटिफाई योर लैक्स, कि आपकी कमियाँ कहाँ कहाँ हैं, वो कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने ट्यूटर की हेल्प लोगे। ठीक है, थैंक यू।